का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है कलर्स पे, अपने बच्चे को कलर्स करवाना। कलर्स जो होता है ये एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़ा आता है ये एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करने में। सबसे पहले तो इसका ही फ़ायदा होता है कि अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चा जब कलर करता है तो उसको भी बहुत मज़ा आता है और आप खुद उसको बैठ के कलर जब करवाते हैं तो आप एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। कलर जो है आप आराम से कोई भी कलर हो, चाहे वाटर कलर करा रहे हो या पेंसिल कलर्स हो, कुछ भी जो भी कलर आप अपने बच्चे को करवा रहे हैं तो उसमें आप भी उसके साथ पार्टिसिपेट करें, बच्चे को भी करवाएं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इसको। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, कलरिंग कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना बच्चे का वो बढ़ता है और ये बहुत अच्छी फाइन मोटर की एक्टिविटी भी है। और उसके साथ साथ बच्चा जो होता है ना इसमें अर्ली राइटिंग स्किल्स जो होती है ना उसकी बहुत अच्छी डेवलप होती हैं और फिंगर ग्रिप जो उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। जब जब फिंगर ग्रिप अच्छी होती है तो पेंसिल होल्डिंग जो होती है ना बहुत अच्छी हो जाती है, तो बच्चा जो उसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और आई और हैंड कोऑर्डिनेशन की भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना वो बढ़ता है, दूसरा उसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चे की फिंगर ग्रिप अच्छी होगी तो पेंसिल होल्डिंग अच्छी होगी, तो फ्यूचर में वो क्या करेगा कि वो डे तक लिखेगा और उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी। सो सबसे पहले हम कलर किस तरीके से बच्चे को करवाएं। आप कोई भी कलर्स ले लें और बच्चे को कहो कि आप कलर बुक्स मिलती हैं मार्केट में, आप वो ले लें और आपने कलर करना है, ठीक है। ग्रीन कलर चाहिए, चलो आप ग्रीन कलर ले लो, फाइन ग्रीन कलर, अच्छा चलो अब आप ग्रीन कलर कर लो। आपने बच्चे को क्या कहना है जब कलर स्टार्ट करेगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चे को कहना है आपने कि अप एंड डाउन साइड ए साइड आई स्टे इन द लाइन, ठीक है। बच्चे को जब भी कलर आप करना सिखाएं तो उसे आपने सिखाना है अप एंड डाउन, ठीक है, पेंसिल आराम से। अब आपने क्या करना है अप एंड डाउन साइड टू साइड, अप एंड डाउन साइड टू साइड आई स्टे इन द लाइन, अप एंड डाउन साइड एंड साइड आई स्टे इन द लाइन, अप एंड डाउन साइड एंड साइड, ओके आप भी गाओ अप एंड डाउन साइड एंड साइड आई स्टे इन द लाइन। सो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना उसको बहुत ज्यादा कलर जब करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। क्या हम कलर से करो अप एंड डाउन साइड एंड साइड I stay in the line. Okay, you can stay in the line. Up and down, up and down, up and down, up and down. Very good. Up and down. इसी तरह मैंने एक और प्रोजेक्ट किया। मैंने क्या किया उसमें कि बच्चों के सामने दो कलर्स रखे वाटर कलर और एक सिंपल चार्ट जो है ना मैंने सिंपल उसको रखा और उसके बाद ज़मीन पर रखने के बाद मैंने कहा कि आपके पास ये दो कलर्स हैं रेड एंड येलो, आपने इससे क्या करना है कलर करना। अब क्या हुआ कि दोनों ने कलर्स करना शुरू किया। इससे क्या होता है बच्चों को कलर डिस्क्रिमिनेशन जो होती है ना बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है कि कौन सा कौन कलर है, ये कौन सा कलर है। क्योंकि सबसे पहले जब बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाया, मैंने आपको हमेशा बताया कि आप एक से दो तीन से आगे आपने नहीं जाना, तो टू कलर्स मैंने उसको सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं इनको सिखाऊंगी। जैसे टू इयर्स का बेबी है और उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या ढाई साल के बच्चे से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने उसको दो कलर जो है ना बेसिकली बताना है। मैंने रेड और येलो लिया कलर वाटर कलर और बच्चों के सामने रखा और उसके बाद कहा कि आप इसमें कलर करो और उन्होंने कलर स्टार्ट किया और उसको मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी, आप आराम से कलर करो जो आपका दिल कर रहा है। इसमें क्या होता है कि इस एक्टिविटी में बच्चा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसको लग रहा होता है कि अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ जो मर्जी कलर करूँ और वो काफ़ी देर तक बैठा हुआ अपना टास्क कम्प्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह इन दोनों ने क्या किया कि मैं दोनों को दो कलर इनके सामने रखे और कहा कि आप इसको करो,
एक बच्चा जो है वो 2.5 साल का है, जो दूसरा है वो 3.5 साल का है। सो इनके सामने कलर्स रख के कहा कि आप इनको कलर करो और इनको इंजॉय करो। और उससे क्या हुआ कि बच्चा जो होता है उसको 2 कलर्स सबसे पहले रेड एंड येलो सिखाए, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा आप उसमें इजाफा करती जाए। तो बच्चा जो होता है वो कलरिंग कर रहा है, उसको इंजॉय कर रहा है। और नेक्स्ट जो है आप उसको ये वाला कॉन्सेप्ट ही दें, अप एंड डाउन साइड टू साइड आई स्टे इन द लाइन, अप एंड डाउन साइड टू साइड आई स्टे इन द लाइन। के उससे क्या होता है बच्चा जो होता है वो आराम से कलर कर रहा होता है, उसे पता होता है कि मैंने लाइन में रहना है। तो ये दोनों एक तरह से आप बच्चों के साथ कलर करें और बच्चों के साथ एक्टिविटी को इंजॉय करें, बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा, एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ जो है वो गुजारेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चे को ये होगा कि हाँ हमारी माँ जो है हमें प्रॉपर टाइम दे रही है और हमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बच्चों के साथ बॉन्डिंग और अच्छी होती है आपकी इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, और बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और ये टाइम ऐसा होता है जो बच्चा अपनी सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, बल्कि जब बड़ा भी होता है तो डिस्कस करता है कि मेरी मदर जो है वो मेरे साथ कलरिंग किया करती थी, और मेरी मदर जो है मेरे साथ जब हम छोटे थे तो हम लोग इस तरह बाकायदा स्टडी को इंजॉय करते थे, एक क्वालिटी टाइम जो है वो हम स्पेंड करते थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना बच्चों के माइंड में रह जाती हैं और वो उसको कभी नहीं भूलता और वो उसके माइंड में रहती हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है और वो दूसरों के साथ भी इसको डिस्कस करना पसंद करता है कि मेरी मदर इतनी अच्छी हैं, मेरे साथ इस तरह करती हैं और हम लोग इस तरह अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने कोई भी क्वेश्चन हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए आप हमारे साथ डिस्कस करें। देखते रहिए लिटिल स्टार कॉग्निटिव जर्नी।